हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भाजपा की तरफ से देश के नागरिकों को ये विश्वास दिलाए जाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच खासकर मुस्लिम समुदाय से ये भ्रम दूर हो सके कि CAA से देश के नागरिकों की नागरिकता को कोई खतरा नहीं हो सकता। खुद PM मोदी कई मंचों से ये बात कह चुके हैं। वहीं भाजपा संगठन इसका भ्रम दूर करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चला रही है। लेकिन इस सब के बीच भाजपा के गोरखपुर से विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि अगर गोरखपुर से एक भी भारतीय मुस्लिम नागरिक देश से निकाला गया तो वो विधायकी छोड़ देंगे। डॉक्टर राधा राम मोहन दास अग्रवाल ने ये बात CAA पर भ्रम दूर करने के लिए चलाए जा रहे भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत ये बात कही और उन्होंने जनता तक इस कानून का सही रूप भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता देने का कानून है, ये लेने का नहीं है। राधा मोहन दास ने यह भी कहा कि आप मुस्लिमों की एक विशाल जनसभा बुलाइए, मैं वहां अकेला आऊंगा, सभी के भ्रम और आक्रोश सब शांत कर दूंगा। भाजपा विधायक ने गोरखपुर के कई क्षेत्रों में जाकर CAA को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया। राधा मोहन दास के साथ इस अभियान को चलाए जाते वक्त कई बड़े भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन डॉक्टर राधा राम मोहन दास अग्रवाल ने न सिर्फ अल्पसंख्यक बाउल क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया बल्कि क्षेत्रीय लोगों से बात भी की और कहा कि किसी को भी इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि उसे देश से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से जनसंपर्क के दौरान कहा कि उनके क्षेत्र का एक भी भारतीय मुस्लिम नागरिक नहीं निकाला जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो वो विधायकी छोड़ देंगे। राधा मोहन दास विपक्ष के फैलाए गए उस भ्रम पर भारी चोट कर गए, जिसके तहत वो एक वर्ग में ये भावना पैदा कर रहा है कि CAA बनने के बाद उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।